मॉर्निंग फ्रेंड्स तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप पैथन को डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में और अब हम बात करेंगे कोड एडिटर की कि हमने कोड जो है प्रोग्राम करना शुरू करना है तो कैसे आप कोड एडिटर चूज कर सकते हैं पैथन के देर आर वेरी कोड एडिटर जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट हम इस सीरीज़ में जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे वैसे अन्य भी है इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते सबलाइम टेक्स्ट है एक्लिप्स है एंड पाईचार्म है ये इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं बट हम इसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो विजुअल स्टूडियो कोड तो ये गूगल पे आपने सर्च करें और विजुअल स्टूडियो कोड इस तरह से आपके पास ये ओपन होगा स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो ये आपने डाउनलोड फॉर विंडोज़ के लिए करना है तो आप ये सिलेक्ट करें और इस तरह से आपके यहाँ पे डाउनलोड्स शुरू हो जाएगा डाउनलोड्स होने के बाद आप ओपन करें जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट करके नेक्स्ट कर दें क्रिएट डेस्कटॉप आइकन नेक्स्ट नेक्स्ट और इंस्टॉल और ये इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा अगर विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आपने और इंट्रोडक्शन लेनी है तो मैं फिर एक और लिंक नीचे दे रहा हूँ ये भी आप चेक कर लीजिए और पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप अगर नए जुड़े हैं अभी तो हमारी सीरीज़ में आपका स्वागत है आप इन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखें ये आपकी बेसिक जो इंट्रोडक्शन बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है प्रोग्रामिंग के बारे में ये काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटन यहाँ पर भी लिखा है इसके थ्रू भी आप कॉन्फिगर कर सकते हैं सो ये सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया हम इसको लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड पे ये लॉन्च हो जाएगा जैसे ही हम फिनिश करेंगे यहाँ पर ये आपके पास ये विंडो ओपन हो रही है ये हमारे पास फर्स्ट जो है इस तरह से आपके पास स्क्रीन आएगा ये क्योंकि मैं पहले इसको यूज कर चुका हूँ तो मेरे को इस तरह से ये दिखाएगा बट ये आपके पास वेलकम नोट्स और ये रिलीज नोट्स आएगा फिनिश पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास स्क्रीन सामने आएगी जहाँ पर हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि कौन सा कलर ऑप्शन सेट करना है डार्क रखना है या कौन सा अपने थीम रखना है एंड वो सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल हम इसको डार्क मॉडर्म कर देते हैं एंड नेक्स्ट सेक्शन पे जाते हैं अब हमारे से पूछ रहा है कि रिफाइन एडिटिंग स्किल्स ओपन प्ले अगर आपने ये चीज़ें चेक करनी है इसको आप कर ले बिल्ट इन टर्मिनल एटसेट्रा सो ये ऑप्शनज है जो बाई ये हमारे को दे रहा है ट्यून योर सेटिंग ये आप इसको चेक कर दे एंड देन क्लिक नेक्स्ट एंड योर प्रोडक्टिविटी के लिए अदर ऑप्शनस भी दे रहे हैं इंस्टॉल गिट सो ये बाद की चीज़ें हैं अभी हम फिलहाल इसको मार्क डन कर देते हैं सो so ये आपके पास बेसिक चीज़ है अभी हमने क्योंकि पैथन का कोड रन गन्ना ग्राम फाइल में जाते हैं अभी और यहाँ पर न्यू फाइल लेते हैं हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम मैं आपको एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं टेस्टिंग तो आप देखिए कि ये जो फाइल है ये ऑटोमेटिक नहीं इसमें जो है कलर नहीं आया है अभी क्या करना है इसको सेव करेंगे हम सेव करने के लिए हमने इसको जस्ट डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देते हैं और ये हमने सैम्पल डॉट पाए कर दिया हमने इस पर और यहाँ से आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं अगर एक्सटेंशन यहाँ से हमने चेक करना है सो एक्सटेंशन ले सकते हालांकि ये तरीका नहीं है मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ से पैथन आपने सेलेक्ट करना है इसके लिए चीज़ बता बता रहा हूँ मैं पहले कि इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सैम्पल हमने कर दिया और सेव एज टाइप हमने पैथन कर दिया दैट इन अब हमने सेव पे क्लिक कर दिया तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इस फाइल का इसको पता लग गया तो ये बेनिफिट होता है कोर्ड एडिटर को यूज़ करना हो सो so, इस तरह से वही चीज यही चीज हम अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमने इसको ओपन किया जब ये हम डेस्कटॉप पे गए और यहाँ से जो फाइल का नाम था जो सैंपल करके जो फाइल हमने सेव की सैंपल डॉट पाए वो यहाँ पर रन हो गई ये देखिए टेस्टिंग हमने उसके अंदर प्रिंट में आउटपुट लिखा था तो ये चीज हम यहाँ से भी रन करते हैं बट क्योंकि आपको दिखाना है आपको समझाना है तो फिर ताकि स्टेप बाय स्टेप हो तो वो चीज़ें बेहतर रहती है तो ये हो गया फ्रेंड्स तो अब हमने एक्सटेंशंस पे जाना है यहाँ से भी हम एक्चुअल में एक्सटेंशन यहीं से इंस्टॉल करते हैं बट ये भी एक तरीका है जो मैंने आपको बताया कि आप पहले टाइप कर लो वो ऑटोमेटिक जो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है वो ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि कब क्या इंस्टॉल करना है वो दिक्कत नहीं है तो अगर हम यहाँ से भी इंस्टॉल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको एक्सटेंशन बताता हूँ यहाँ पर एक्सटेंशन पे क्लिक करना और यहाँ पर हमने पैथन टाइप करना है आपने कोई और लैंग्वेज यूज़ करनी है तो वो भी आप इसी तरह से टाइप करेंगे पैथन अगर आपने सी या पी एच पी इसमें इस्तेमाल करना तो आप पी एच पी आप टाइप करो तो पी एच पी का जो एक्सटेंशन है ताकि आपका कोड ऑटोमेटिक ये चले तो हम वो इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं सो so फिलहाल हम पैथन पे जाएंगे और पैथन जो इंटरप्र ये एक्सटेंशन है उसको हम इंस्टॉल करेंगे इससे ये डिफरेंट डिफरेंट्स आप देख सकते हैं कि विद रिच स्पोर्ट फॉर द पाइथन लैंग्वेज तो ये कॉन्फिगर हम कर रहे हैं पाइथन को तो इंस्टॉल पे क्लिक करना है ये इंस्टॉलिंग ये ऑटोमेटिक फिर अपडेट होता रहेगा एक्सटेंशन के हिसाब से हमारे हम जो है इसको टर्मिनल में रन कर पाए टर्मिनल लाइक एम एस ये जो आप सी एम डी देख रहे हैं लाइक सिमिलर टू दैट सो फ्रेंड्स ये इंस्टॉल हो चुका है सो so, अब हम ये वेलकम स्क्रीन इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और वापस आ जाता है एक्सप्लोरर के ऊपर अब हमारे को जो अपना वर्क प्लेस इसमें डिफाइन करना है कि हमारा जो वर्क प्लेस है यानी कि एक एक पर्टिकुलर फोल्डर हमने रखना है जिसके अंदर अब जो भी पैथन का जो भी प्रैक्टिस है वो करते जाएंगे सो so इसके लिए आप ओपन फोल्डर पे इस पर क्लिक करना है डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना दो आप ठीक है और उसमें आप नाम दे दीजिए पैथन क्लासेस या जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ तो ये मैं सिलेक्ट कर देता हूँ और ये सिलेक्ट फोल्डर आ जाएगा ये फर्स्ट क्लास इसमें जो है वो आ गया और ये आपको इंस्ट्रक्शन आएगा अगर मल्टीपल यूज़र है तो ऑथर के लिए तो आप ट्रस्ट पे क्लिक कर दो यस आई ट्रस्ट ऑन दिस ऑथर दैट्स ओके सो ये हमारे पास आ गया हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एक बेसिक टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था तो वो है अभी हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम देखो इस तरह से टाइप कर सकते हैं दोबारा से अगर हमने टेस्ट करना है और वो जो मैं बोल रहा था आपको देखो इस तरह से आपके पास बटन आ गया सो so, और प्रिंट टेस्टिंग पे हमने क्लिक किया जैसे हम टेस्टिंग पे क्लिक करेंगे हमारे पास टर्मिनल में ये आउटपुट आएगी ये देखिए ये टेस्टिंग करके यहाँ पे आउटपुट आ गई ये एक और कमांड हम यूज़ कर सकते हैं ये प्रिंट जो है फंक्शन है आपका इसका और साथ में देखिए फंक्शन ये अपने आप यहाँ पे बता रहा है आपको कि किस तरह से प्रिंट को डिफाइन किया गया है एंड uh, कैसे ये पूरा आप ऑन द वे आप सीख सकते हैं ऐसा नहीं है कि कोड सीखने के लिए आपको कहीं बाहर ये आपको हमेशा हर चीज़ साथ में कंप्यूटर जो है वो सिखाता रहता है हर ऑप्शन इसमें इस तरह से बनाई गई है सो हेलो इंडिया करके हम सर्च करते हैं और ये फिर प्ले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए ये नीचे जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं और यही चीज़ अगर आप चाहते हैं अगर आप करना चाहें तो आप CMD से कर सकते हैं idle से कर सकते दैट्स ओके बट कोड इट इज़ मच मोर प्रोफेशनल एंड इसमें थोड़ी चीज़ें कॉन्फिगर करने को होती है लेकिन इतना भी नहीं है इसके अलावा आप डिफिकल्ट नहीं है यूज़ करने इसके अलावा थीम्स में आप देखें तो थीम्स में आप आपके पास अलग अलग थीम्स है जो आप ले सकते हैं जैसा भी आपको स्क्रीन चाहिए सो दैट्स द वे टू डू इट सो फ्रेंड्स आई होप यू आप यहाँ तक पहुँचे फिर हम अगले जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे थैंक यू